गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन। बच्चों ऐसा है कि आज हम लोग डिफरेंशिएशन का डाउट सेशन करने वाले हैं। याद करो आज संडे है और आज हमने बोला था कि आज हम लोग जितने भी डाउट हमारे पाइल्ड अप हो चुके हैं, एक साथ आ चुके हैं, उनको हमको डील करना है। तो जो भी मेजर डाउट है जो कि बच्चों को बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम आया, आज हम लोग उसको डील करेंगे और तब जाके फिर हम लोग अपना आगे के टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बस लास्ट के क्लासेस चल रहे हैं डिफरेंशिएशन के, जल्दी ही खत्म होने वाला है। तो बिना देर किए आप करिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का डाउट सेशन। पहला जो क्वेश्चन मेरे पास आया था डाउट में, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुतों ने भेजा है लेकिन है एकदम आसान। देखो क्या क्वेश्चन था। सबसे पहला डाउट क्वेश्चन जो था हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, वो था y इज इक्वल टू दिया था e पर पावर x, अगेन e पर पावर x, उसके बाद प्लस का साइन था, देन था x पर पावर e एंड उसके बाद फिर पावर था e पर पावर x, उसके बाद फिर प्लस का साइन था और क्वेश्चन था e पर पावर x, x पर पावर e। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आ गया था और हमें dy by dx प्रूफ करना था। तो मैं नहीं लिख रहा हूं कि प्रूफ दैट dy by dx क्या है, वो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, RD शर्मा आपको पता है, हम बस डायरेक्ट प्रूफ कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या है कि इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे आसान तरीका इसको डिफरेंशिएट करने का है कि इसको u मानो, इसका अलग डिफरेंशिएशन निकालो, इसको भी मानिए और इसका अलग डिफरेंशिएशन निकालिए, फिर इसको W मानिए, इसका अलग डिफरेंशिएशन निकालिए। जो तीन अलग अलग डिफरेंशिएशंस आए हैं आप उनको सिंपली ऐड कर दीजिए, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। लेट कर लेते हैं कि भाई साहब मेरा यू जो है वो है ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स। ठीक है, सिंपल सा। अब आपको पता है कि लॉग ले लो, तो जैसे ही ln u लोगे हो जाएगा ln e पर पावर x, अगेन e पर पावर x। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि ये पूरी चीज़ आपकी क्या चीज़ है, x पे पावर x है, तो हो जाएगा ln u, x जंप करेगा तो x पे पावर e पर पावर x, एक्स्ट्रा में ln e। आपको भली भांति पता है ln e की वैल्यू 1 होती है। तो अभी बताओ यहाँ ln u क्या आ चुका है, ln u आ चुका है x e पर पावर x। बोलो कोई दिक्कत है। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये आसानी से वैसे ही डिफरेंशिएट नहीं होगा भाई साहब। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए फिर आपको ln लेना पड़ेगा। अगेन एक बार और ln ले लेते हैं, ln u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ln x पे पावर e पर पावर x। ठीक है, अब क्या होगा, अब होगा ln u इज इक्वल टू अब e पर पावर x ln x। अब तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो क्योंकि अब इस हिसाब से ये सेट हो चुका है कि डिफरेंशिएशन का अपना फॉर्मूला इसके ऊपर एप्लीकेबल है, यानी लग सकता है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें काम करना, आ जाइए। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पे क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ln u, देन ब्रैकेट अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ e पर पावर x ln x, किसके रिस्पेक्ट में बच्चा, x के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, जब आप इधर आएंगे तो आपको दिखेगा कि भाई साहब ये ln u x के रिस्पेक्ट में तो होने से रहा, तो आप डिफरेंशिएट करेंगे ln u को किसके रिस्पेक्ट में, ln u के रिस्पेक्ट में, एंड देन उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे ln u का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में, और तब फिर एक्स्ट्रा में लगाएंगे du by dx जो हमें निकालना है, यही ना निकालना है। अब आइए इधर e पे पावर x बाहर निकाल लिए और हमने डिफरेंशिएशन कर दिया ln x का, फिर हमने ln x बाहर निकाल दिया और e पे पावर x का कर दिया डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, चलो बताओ ln u का ln u के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ln u हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनटू करेंगे, ln u का फिर से डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, तो 1 अपॉन u हो जाएगा, एंड अगेन हम लोग क्या लिख देंगे, du by dx लिख देंगे,
यहाँ e पे पावर x ln x का बाई x हो जाएगा, उसके बाद प्लस का साइन ln x वैसा ही रहेगा, e पर पावर x हो जाएगा। ये कहानी आ गई, यानी हमारे पास हमारा अल्टीमेटम du by dx क्या आ चुका है, du by dx आ चुका है e पर पावर x प्लस ln x इंटू अगेन e पे पावर x डिवाइडेड बाई x, ये चीज, और उसके साथ साथ ये मल्टीप्लाई यानी u इंटू ln u मल्टीप्लाई हो गया। आपको पता है कि आपने u की वैल्यू लिखी है e पे पावर x पे पावर e पे पावर x, तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे u के पावर, तो लिख दो भाई साहब क्या हो जाएगा, e पर पावर x टू दी बेस x प्लस ln x, उसके बाद अगेन e पे पावर x, u की वैल्यू क्या हो गई e पर पावर x e पे पावर x, और ln u की वैल्यू क्या हो गई, तो ln u की वैल्यू आ गई x e पर पावर x। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया हमारा डिफ्रेंसिएशन किसका, du by dx का, बिना किसी तकलीफ के ये आ गया। तो हमने एक पार्ट को अभी डिफ्रेंसिएट किया है, सिर्फ उधर वाले को, अभी इसका डिफ्रेंसिएशन और इसका डिफ्रेंसिएशन, दोनों का ही डिफ्रेंसिएशन अभी बचा हुआ है, दोनों को ही डिफ्रेंसिएट अभी करना है, तो इसको तुम लोग उतारो फर्स्ट पार्ट को, उसके बाद इरेज करके हम बाकी के दो को भी डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलो उतार लो फटाक से इसको, जल्दी से समझ समझ के उतारिएगा, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए बच्चे अगला अगला आपको दूसरे वाले को भी मान लीजिए, लेट भी इज इक्वल टू x पे पावर e पर पावर x, है ना, एकदम सिंपल तरीके से आपने इसको भी मान लिया। अब आपको पता है कि इसको डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग लगाना ही पड़ेगा, तो आप क्या लिखेंगे ln v, जैसे ही ln v लगाएंगे यहां होगा ln x पे पावर e पर पावर e पर पावर x, आपको पता है ये पूरी की पूरी पावर जंप कर जाएगी, तो हो जाएगा ln v e पर पावर x एंड देन अलग से ln x। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, है ना, इस चीज को हमको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ln v विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इधर भी डिफरेंशिएशन आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ e पर पावर x ln x विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब हमको बड़े अच्छे तरीके से बता दो कि सिंपल सिंपल अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग बहुत ही सिंपल सिंपल देखें, तो ln v का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन v क्या आ जाएगा, dv अपॉन dx आ जाएगा ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर का डिफरेंशिएशन करने आएंगे, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल में e पे पावर x को बाहर निकालिए और आप ln x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर प्लस का साइन दीजिए बच्चों, और उसके बाद ln x को बाहर निकालिए और e पे पावर x को डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, चलो बताओ यहाँ 1 अपॉन v dv by dx तो होगा ही होगा, ये e पे पावर x लगा रहेगा, ln x का डिफरेंशिएशन मेरे प्यारे बच्चों 1 अपॉन x होता है, उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे अगेन ln x, e पे पावर x, तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x के रिस्पेक्ट में कर लो, उसके बाद अगेन e पे पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर लो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आएगा 1 अपॉन v dv by dx इज इक्वल टू e पर पावर x by x प्लस ln x, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x और अगेन e पे पावर x, ये चीज चलाएगा। अब अगर इस v को जाके इधर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास dv by dx आ जाएगा e पर पावर x by x प्लस ln x इंटू e पर पावर x इंटू e पर पावर x, और v का वैल्यू कितना है बच्चों, x पे पावर e पे पावर x, ये है भी का वैल्यू। ठीक है, तो हमने पहले पार्ट को डिफरेंशिएट किया, सेम प्रोसेस से हमने दूसरे पार्ट को डिफरेंशिएट किया और दोनों ही डिफरेंशिएशन हमारे सामने है। अब उसी तरीके से हमें तीसरे पार्ट को भी डिफरेंशिएट कर देना है, तो कैसे करेंगे इसको उतारो फिर समझाते हैं, चलो फटाक से करो बच्चों। चलिए यहां तक की बातें हो गई ना,
आइए अपने आखिरी के पार्ट पे आते हैं, लास्ट वाला पार्ट। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था ये, है ना, ये सब क्वेश्चंस थोड़े लंबे होते ही हैं, तो हल्का लंबा था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट आइए, अब U भी मान लिया है तो W बराबर मान लीजिए, लेट कर लीजिए कि भाई साहब जो आपका W है ना, एक सेकेंड रुक जाओ बच्चों, जरा मैं मार्कर चेंज कर दूँ। W की जो वैल्यू है वो है ई पर पावर एक्स पे पावर एक्स पे पावर ई, ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब क्या करोगे बताओ, दोनों ही तरफ लॉग ले लो। जैसे ही दोनों तरफ लॉग लोगे, ln w इज इक्वल टू हो जाएगा ln e पर पावर x e पर पावर x, ऐसे ये पावर जंप करेगा तो ln w हो जाएगा x पर पावर e ln e, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो आप कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ln w विथ रिस्पेक्ट टू x, और इधर क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पर पावर ई एल एन ई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। अब आपको सीधे सीधे पता है एल एन डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन 1/w और एक्स्ट्रा में लगेगा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। यहाँ एल एन ई कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लिया आपने, और आपको डिफरेंशिएशन मिल गया एक्स पे पावर ई का एक्स के रेस्पेक्ट में। अब आपको पता है कि ये वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, तो इसको नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो अब क्या करेंगे, थोड़ा डिफरेंशिएशन अलग तरीके से करेंगे। अब क्या करेंगे, मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि भाई साहब मेरा जो p है वो एक्स पे पावर e है, और तब हम चाहते हैं कि हमें डी पी बाई डी एक्स मिले, ठीक। तो यानी कि हमको इससे क्या मिल जाएगा, एक्स पे पावर e का डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो तो क्या करेंगे, एल एन पी ले लेंगे। जैसे ही एल एन पी लोगे, एल एन एक्स पर पावर ई हो जाएगा। यहाँ से हम अगर इसको डिफरें एल एन पी को थोड़ा और अच्छे से लिख दें तो एक्स पे पावर ई इंटू एल एन एक्स हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना आसान हो गया, डिफरेंशिएट करोगे 1/p डी पी बाई डी एक्स, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स पे पावर ई को बाहर निकालो, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, एल एन एक्स को बाहर निकालो, एक्स पे पावर ई का ई इंटू एक्स पर पावर ई माइनस वन लग जाएगा, ठीक है बच्चों। क्लियरिटी एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। यहां से हमारा डी पी बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया एक्स पर पावर ई अपॉन एक्स प्लस ई इंटू एक्स पे पावर ई माइनस वन एल एन एक्स, और इसको किस चीज से इंटू करना है, पी से, पी की वैल्यू कितनी है एक्स एक्स पे पावर ई। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको मिल गया, बस उठा के यहाँ पे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब सब सब्स्टिट्यूशन वगैरह कर लिया गया तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स आ गया एल एन ई एक्स पे पावर ई अपॉन एक्स प्लस ई पर पावर एक्स ई माइनस वन एल एन एक्स इंटू एक्स पे पावर पी इंटू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है ई पर पावर एक्स पे पावर एक्स पे पावर ई, ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब जो तीनों मैंने अलग अलग डिफरेंशिएट किया है, आप इस तीनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ और उनको जोड़ दो। जैसे ही तुमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके जोड़ोगे, तुम्हारा इसका डिफरेंशिएशन तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत लोगों को ये क्वेश्चन फंसा हुआ था कि सर नहीं बन रहा है, बहुत खतरनाक सा दिख रहा है कुछ नहीं बच्चों, डिफरेंशिएशन ही करना है, बट थोड़ा अलग अलग सेपरेट करके, लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन के बाद आगे के क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको उतार लेना अच्छे से, एक बार समझ लेना, नहीं दिक्कत होगा तो फिर बताना हमको, उस चीज़ को हम लोग क्लियर करेंगे। और एकदम आप पढ़ाई बढ़ा दीजिए, सीरियस हो जाइए थोड़ा पढ़ाई के प्रति, है ना, बहुत हो गई बातें, बहुत हो गया समय का बर्बादी, है ना। तो अब थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति सिंसियर हो जाओ बच्चों, काफ़ी ज़रूरी चीज़ है ये सब। चलिए एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है पैरामेट्रिक फंक्शन से, मैं बता रहा हूँ उसको, ये आपके एक्सरसाइज का 7वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन। जिसका भी डाउट हो, मुझे नाम नहीं याद है, बट 7th नंबर क्वेश्चन डाउट है, देखते हैं भाई क्या है। आपको दिया गया है कि साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1-x² को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू सेक इनवर्स 1/√1-x² के रिस्पेक्ट में, यानी इसके डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में निकालनी है। तो पहले इसका x के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, इसका भी x के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, और दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो आसानी से चलिए आइए बनाते हैं, लेट u बराबर
साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद करो बच्चों, कल के ही क्लास में मैंने आपको एक तरीका सिखाया है कि जब भी इस प्रकार का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, x के जगह पे कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखो जिससे कि ये सिंप्लीफाई हो जाए और तब उसको बनाना आसान हो जाए, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, कल जैसे हमने बनाया था यहाँ हम लोग x की जगह पे रख देंगे साइन थीटा, तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा, हमारा थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x, ये बात हमें ध्यान रखना है। जैसे ही हम x की जगह रखेंगे हमारा u हो जाएगा साइन इनवर्स 2 इंटू साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो क्लैरिटी है, यानी कि हमारे u का वैल्यू आ गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां तक में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यानी हमारे u का वैल्यू आ गया मेरे प्यारे बच्चों साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। आपको पता है साइन इनवर्स और साइन कटेगा और 2 थीटा आपको मिलेगा, तुमको पहले से पता है कि तुमने थीटा को निकाल के रखा है, तुम यहां रख दो साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब बात आती है सर इसका डिफरेंशिएशन का, तो जब डी यू बाई डी एक्स करोगे साफ सुथरी बात है 2/1 - x² आपको इसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, ये पहला हो गया, ठीक है। तो हमें डी यू बाई डी एक्स नहीं चाहिए था भाई साहब, हमें इसकी डिफरेंशिएशन यानी यू की डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में चाहिए, ठीक है। तो चलो हमने एक काम तो पूरा कर लिया, अब आते हैं लेट भी बराबर सेक इनवर्स, सॉरी लेट भी बराबर सेक इनवर्स। अच्छा एक चीज ध्यान रखना बच्चे, अगर तुमने वहां पे एक्स को साइन थीटा माना है तो ऐसा नहीं है कि यहां पे आप एक्स बदल दीजिएगा, जो चीज तुम यहां पे मानोगे एक्स को सेम क्वांटिटी यहां भी आपको एज्यूम करनी होगी। तो अगेन लिखोगे लेट एक्स बराबर साइन थीटा, कुछ और नहीं मान सकते हो, कुछ और मानोगे काम खराब हो जाएगा। तो जैसे ही तुम रखोगे थीटा तुमको क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स एक्स मिल जाएगा। चलो बताओ भी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक इनवर्स 1/1 - sin² थीटा, है ना। तो हमारा भी क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/cos थीटा। आपको बड़े अच्छे से पता है कि हम इसको लिख सकते हैं sec इनवर्स sec थीटा, यानी ये क्या आ जाएगा थीटा, यानी हमारे भी की वैल्यू हो गई sin इनवर्स x। अब अगर हमसे कोई dv by dx पूछेगा तो हम क्या लिख देंगे 1/√1 - x² इक्वेशन 2। अब हमें ना तो du by dx चाहिए था ना ही हमें dv by dx चाहिए था, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए du by dv। तो हम क्या करेंगे, हम du by dx को dv by dx से डिवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा बताओ, 2/√1 - x² को डिवाइड कर देंगे 1/√1 - x² से, दोनों कट जाएंगे और आंसर क्या हो जाएगा 2। अगर आपने आंसर मिलाया होगा तो आपको पता होगा कि 7th नंबर का आंसर है 2। बोलिए बच्चे हो गया क्या, तो बस इसको उतार लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग नेक्स्ट डाउट की तरफ बढ़ते हैं, है ना। चलिए उतार लीजिए अच्छे से इसको। चलो बच्चों फिर एक क्वेश्चन आया है 7th के बाद 10th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं सर जी 10th नंबर क्वेश्चन की क्या कहानी है। कह रहा है कि आपको डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स 1+ax डिवाइडेड बाई 1 - ax को, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू इसके रिस्पेक्ट में 1+a² x² इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। चलो कोशिश करते हैं, मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों y बराबर, ठीक है, tan इनवर्स 1+ax डिवाइडेड बाई 1 - ax, है ना। चलो बड़ी अच्छी बात है सर, ऐसा तो हम मान ही सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये नहीं लग रहा है tan इनवर्स
ए प्लस बी वन माइनस ए बी। जी हाँ, तो ये y जो है हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स ए एक्स। ठीक है, ऐसे टूट गया फॉर्मूले से। अब जरा हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें dy वाई बाई डी एक्स। तो ये तो कांस्टेंट है, इसकी डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, और इसका डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए। तो अल्टीमेटली हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बोलो बच्चों ये बात क्लियर है? हमारे पास dy बाई डी एक्स निकल के चला आया ना, dy बाई डी एक्स हमने निकाल लिया। लेकिन हमारा मकसद dy बाई डी एक्स निकालना नहीं है, हमारा मकसद है इसका डिफ्रेंसिएशन इसके रिस्पेक्ट में निकालना। तो भाई साहब अब क्या करेंगे, आगे का स्टेप क्या करेंगे, भी बराबर मान लेंगे रूट अंडर वन प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जरा डीवी को डीएक्स के रिस्पेक्ट में करो, रूट है तो सर 1/2 रूट अंडर वन प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर तो होगा, और 1 का 0 और इसका हो जाएगा 2 ए स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां से 2 कट गया, ये इक्वेशन 2। अब हमें चाहिए था dy बाई डी वी, तो हम डिवाइड कर देंगे, यानी a अपॉन रूट अंडर 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको डिवाइड कर दिया गया मेरे प्यारे बच्चों ए स्क्वायर एक्स 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर से, ये दोनों कट गया। अब बताओ ये a a भी कटा, अल्टीमेट आंसर आया 1 अपॉन ए एक्स, काम खत्म, नहीं होगा डिफ्रेंसिएशन। तो सर सब्स्टिट्यूशन जो आपने कल बताया था ना, बड़े काम की चीज है, बड़े आसानी से सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हमसे बन जा रहे हैं बहुत आसानी से। अरे एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, गलती हो गई थोड़ी सी। ये टैन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन रूट में नहीं होता है ना, सिर्फ नॉर्मल होता है, एक चीज ध्यान रखना है, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। ये रूट में नहीं होता, तो यहाँ कटेगा तो रूट बचेगा। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन कटेगा ना, तो यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा बच जाएगा बच्चे, ये लिख लो इसके अंदर 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, बाकी ये और सब चीज़ ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं लग रहा है ना। चलो बस काम खत्म हो गया ना, बन गया क्वेश्चन सिंपल। ठीक है, उतार लो। ये 10वां नंबर क्वेश्चन था मेरे प्यारे बालकों, 10th नंबर क्वेश्चन। अब इसके आगे बढ़ना है ना, एक सेकेंड मैं फ्रेम चेक कर लूं। ओके इट्स गुड। ठीक है बच्चों, तो आ जाओ 10वें के बाद 11वें नंबर क्वेश्चन पे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 11th नंबर। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 2x उसके बाद रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, इस चीज को डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में। तो टैन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। अब आपको भली भांति पता, अच्छा एक और चीज दिया हुआ है, इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि हमारा जो x है वो माइनस 1/√2 से 1/√2 है, वो सिंपल बात है, पलटने का कंडीशन दिया है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब देखो ये क्वेश्चन है आपके पास है, अब क्या करोगे इस क्वेश्चन में, कैसे करोगे इस क्वेश्चन में, सिंपल है। क्या करना है बच्चों, चलो मान लो u बराबर साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या, प्रॉब्लम आई कोई नहीं, एकदम सिंपल सा समझ में आता, बस मानने वाली बातें हैं सर, कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं। अच्छा बताओ अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, हम एक्स के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमने एक्स के जगह लिख दिया, क्या लिख दिया, चलो मान लेते हैं साइन थीटा। और ये भी याद रखना है कि जो यहां मानेंगे सेम यहां पे भी मानना पड़ेगा, कुछ चेंजेस आप नहीं ला सकते हैं। तो हमने एक्स को साइन थीटा मान लिया। अगर हमने एक्स को साइन थीटा माना है बच्चों, तो मेरे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, हम यू को लिखेंगे साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो सही है ना, हमने एक्स के जगह पे साइन थीटा रख दिया। अब हमारे पास यू की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो क्लियर है, सिंपल सा बात है। अगेन हम यू को लिख सकते हैं क्या बताओ, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, यानी हमारा जो यू है वो हो गया अल्टीमेट में 2 थीटा, यानी 2 इंटू
साइन इनवर्स एक्स, ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे भी बनवाया है। अब आपको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, डी यू बाई डी एक्स निकाल दो, आपको पता है आएगा 2√1 − x² इक्वेशन 1। अब किसकी बारी है बच्चों, अब इस वाले की बारी है। तो इसको मान लो भी बराबर आपने मान लिया टैन इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर 1 − x². क्लियर है ना, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा बताओ, यहां भी तुम x साइन थीटा माने हो तो यहां भी वही चीज होगा, कोई अलग तो होगा नहीं। तो भी को लिखना है आपको टैन इनवर्स, क्या लिखना है बताओ, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 − sin²θ। इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो भी बराबर हो गया टैन इनवर्स साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, जो कि हो जाएगा टैन इनवर्स टैन थीटा, जो कि हो जाएगा थीटा, है ना। यानी कि सर मेरा जो भी है वो आ गया साइन इनवर्स एक्स, अब हमें डी वी बाई डी एक्स करना है तो आ जाएगा 1 − x². अब आपको दोनों को डिवाइड कर देना है, यानी कि आपको करना है डी यू बाई डी वी चाहिए, तो आप डी यू बाई डी एक्स को डिवाइड कर दोगे डी वी बाई डी एक्स से। चलो बताओ डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 2√1 − x² डिवाइडेड बाई 1√√1 − x², दोनों कट गए, आंसर हमारा 2 चला आया। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था 11 नंबर, जो लोगों ने ट्राई किया होगा उनसे गारंटी बना होगा क्वेश्चन, है ना। चलिए बच्चे इसको भी मिटा दिया जाए, वेरी गुड। तो समझ रहे हो ना कि कैसे करते हैं एक फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, और खास करके कभी भी अगर क्वेश्चन बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आ जाए तो आप लोग को एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और वो चीज ध्यान ये रखना है कि वहां पे हम कौन से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, है ना। जो वैल्यू आप अच्छा सब्स्टिट्यूट करोगे उससे आंसर्स आपके अच्छे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, एक अपने पास 14 नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का ही 14 नंबर क्वेश्चन है। बच्चों ने पूछा है भाई इनको भी डील कर ले, हमको डिफ्रेंशिएट करना है टैन इनवर्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 + sin x, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 + sin x को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है भाई साहब, sec इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है ना, आपको बस इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर आप इस चीज को सिंप्लीफाई कर पाते हैं तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए कैसे होगा, ध्यान से देखो बच्चे, u को हम लोग मान लेते हैं tan इनवर्स cos x डिवाइडेड बाई 1 + sin x। एक चीज याद करना, मैंने ऐसा क्वेश्चन तुम लोग को ITF में कराया है ना, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन ITF में आया है। कहा जाता है क्वेश्चन में कि इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको सिंप्लीफाई करके लिखो आसान तरीके से। तो हमने क्या किया, हमने u को लिखा tan इनवर्स, ठीक है बच्चे। हम cos x को लिख सकते हैं क्या बच्चों, साइन 90 − x, आसानी से लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम 1 को 1 लिख देते हैं और साइन x को लिख सकते हैं cos 90 − x। दोनों बातें तो सेम होती है, कोई अंतर ही नहीं है दोनों में, है ना। नेक्स्ट आइए अगेन, अच्छा मैं यहीं पे बनाता हूँ, जगह है अभी। हम u को लिख सकते हैं tan इनवर्स साइन 90 − θ को लिखा जा सकता है 2 sin π/4 − x/2 cos π/4 − x/2, और यहां क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई। नेक्स्ट 1 + cos θ जो होता है वो होता है 2 cos²π/4 − x/2। हो गया क्या बच्चे, ये डब्बे में बंद, 2 कट गया यहां से, ये दोनों आपस में कट गए। तो हमारे पास आ गया u = tan inverse tan π/4 − x/2। यहां से tan इनवर्स tan हटा और u की वैल्यू आ गई π/4 − x/2। अब अगर हमें du by dx निकालना है तो π/4 − x/2 − 1/2, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। इसको तो सिंपल सिंपल भी मानो मेरे भाई, और ये टक से निकल जाएगा ना, पट से हेडशॉट हो जाएगा। dv by dx कर देंगे क्या हो जाएगा बताओ, 1 / |x√√x²−1, ये हो गया इक्वेशन 2। दोनों को डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर तुम्हारे पास मिल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है 14 नंबर क्वेश्चन में, कितने आसानी से क्वेश्चन बन गया, ठीक है। चलिए मिटा दीजिए बच्चों, हाँ।
तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप लोग लेके आते हैं ना, आसान आसान क्वेश्चंस लेके आते हैं, इससे ज्यादा तो क्वेश्चंस है नहीं हमारे पास, ठीक है। चलो बच्चों, इसी तरह से 17 नंबर क्वेश्चन है और सेम तरीके से 19 नंबर क्वेश्चन है। तो जहां तक मुझे लगता है आप 17 नंबर क्वेश्चन और 19 नंबर क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करो, आपसे बन जाएगा, नहीं बनने का सवाल नहीं है, ठीक। और भी क्वेश्चन है, अगर आज के क्लास के बाद और भी क्वेश्चन है मेरे को फिर भेजो, कल हम फिर डाउट वीडियो ही बना देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात उसमें नहीं है, समझ रहे हो बात को। तो देखो, डाउट सेशन आज का इतना ही था, इतना ही बड़ा का डाउट सेशन था, कुछ किया नहीं जा सकता है ना, तो हमारा डाउट सेशन आज खत्म हो गया, ठीक है। एक घंटे नहीं हुए, बट डाउट सेशन तो भाई डाउट पे डिपेंड करता है ना। अब कुछ कॉन्सेप्ट अभी देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कल रात को ही मैंने वीडियो डाला था और कल रात को 10 बज गए थे वीडियो डालने पे, बहुत बच्चों ने देखा ही नहीं होगा उस वीडियो को, तो उन्होंने क्वेश्चन ही नहीं बनाया होगा, नहीं तो आप आज 18 क्वेश्चंस ट्राई करो, 18 नंबर क्वेश्चंस तक ट्राई करो, उसको बनाओ, कल फिर सेम इसी वक्त आज जितने समय वीडियो आया है एग्जैक्टली उतने समय वीडियो आ जाएगा। मैंने एक डेडलाइन दी है 9 बजे तक की, जो कि एनफ है, उसके बाद अपना पढ़ाई चालू कर सकते हो। और कल हम लोग कुछ पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर आज का जो डाउट होगा उसको थोड़ा बहुत क्लीन करेंगे, एक घंटे की वीडियो हो जाएगी कॉन्सेप्ट के साथ। आ रही है बात समझ में? तो एकदम ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, और क्या बता सकता हूँ, घर पे रहिए, खुश रहिए, पूरे फैमिली को खुश रखिए। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।